तो कल हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत धर्म का अध्ययन किया था, राइट। और इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसमें हमने इसके नामकरण का अध्ययन कर लिया कि इसका नामकरण किस आधार पर किया गया है। उसके बाद हमने ओरिजिन का अध्ययन, सॉरी, डिस्कवरी का अध्ययन किया, डिस्कवरी। फिर हम लोगों ने बात किया ओरिजिन का, फिर हम लोग ने बात किया ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद हम लोग ने बात किया इसके फीचर का। और इस फीचर के अंतर्गत हम लोग ने किया प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन, इकोनॉमी और रिलीजन, राइट। तो इतने एस्पेक्ट की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे आगे जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे हैं जुड़े हुए, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज ही जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी कुछ और लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, तो कम से कम आप लोग 3 बजे तक जुड़ जाएगा। इसलिए मैं पहले ही देता हूँ आपको, और क्योंकि बीच में जोड़ने से फिर डिस्टर्ब होता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 3 बजे तक जुड़ जाएं। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो फीचर है, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ देखना है, हालांकि उसे कई चीजें हम लोग देख चुके हैं, उस फीचर के अंतर्गत ही हम लोग बात करेंगे कि इंडस जो सिविलाइजेशन है उसमें यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है, डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। और इसके अंतर्गत कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे कैसे इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। भारतीय संस्कृति को अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति को अगर पूछा जाता है कि आप एक लाइन में भारतीय संस्कृति को बताएं, तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी है। तो यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति का, ये कॉन्सेप्ट हमारा इंडस सिविलाइजेशन से ही मिलने लगता है, ये बात ध्यान में रखना है। और ये कैसे मिलता है, तो फर्स्ट अगर बात करें कि इससे सिविलाइजेशन के अंतर्गत रेशियल डाइवर्सिटी है। रेशियल डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ क्या है, हिंदी में लिखिएगा प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, राइट।
यानी कि सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या किसी एक रेस से बिलोंग नहीं करती है, बल्कि कई रेस के साक्ष्य में मिले हैं, राइट। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगी। एक तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से रेशियल एलिमेंट मिले हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जब हम एक्सकेवेशन साइट का करते हैं तो साइट का एक्सकेवेशन करते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे मानवीय कंकाल भी मिले हैं, राइट। जैसे आप कल जो हम लोगों ने बातें किया था, ब्यूरियल प्रैक्टिस की बात किया था, मृतक संस्कार की बात किया था, तो आपको मिला होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो मिला होगा कि हड़प्पा से सिमेट्री एज मिला है। कोई परिचित है इससे टर्म से, किसी को मिला है सिमेट्री एज का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है, और फिर R37 मिला है, राइट। अगर आप में से कोई अगर इस बात को बताएं कि आप सिमेट्री एज कहीं आपको मिला है, हम उसकी चर्चा आगे भी करेंगे। R37 के अंतर्गत भी 37 मानवीय कंकाल मिले हैं। देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है किसी साइट का उत्खनन करते हैं तो साइट के उत्खनन में भी हम लोग ग्रिड पैटर्न का अनुसरण करते हैं, पूरी साइट को जो है कई ग्रिडों में बांटा जाता है, राइट। और जो ग्रिड में बांटा जाता है तो इसका नामकरण किया जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरह से हम लोग उसका नामकरण करते हैं, राइट। और जो वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है उसका डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा जाता है कि ये एच से प्राप्त हुआ, ये आर से प्राप्त हुआ, इस तरह से। तो जब इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इससे जो मानवीय कंकाल मिले हैं, राइट, उसमें चार प्रमुख प्रजातियों के कंकाल है, तो ये चार प्रमुख प्रजाति है, ये कौन कौन सी है? तो इसमें है प्रोटो आस्ट्रोलाइड, राइट। उसके बाद है भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन, तीसरा है अल्पाइन, और चौथा है मंगोलॉयड, राइट। ध्यान ही रखिएगा कि आर्यन जो है वो नॉर्डिक रेस से बिलोंग करते हैं। बाद में हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आर्यन जो है वो नॉर्डिक रेस से बिलोंग करते हैं, वो इसमें नहीं है, राइट। अभी भी जो मध्य भारत है उसकी अधिकांश जो जनसंख्या है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से बिलोंग करती है, और आप लोग जानते होंगे कि मंगोलॉयड जो जनसंख्या, वो नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो जनसंख्या वो मंगोलॉयड प्रजाति से बिलोंग करती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है आपके महाराष्ट्र के रीजन में, अल्पाइन उस इलाके में लोग हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन चारों का नाम अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी इन चारों को ध्यान में रखना है कि चारों के हमें अवशेष मिले हैं, यानी किसी एक प्रजाति के लोग इससे सभ्यता का निर्माण नहीं कर रहे हैं, राइट। आज भी अगर भारतीय अगर जनसंख्या का अगर आप अध्ययन करते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन अध्ययन करते हैं,
तो भारतीय जनसंख्या अलग अलग रेशों में विभाजित है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि आम तौर पर ये मान्यता है कि भारत में जो भी लोग हैं वो बाहर से आए हैं, राइट। और एक बीएस गुहा करके वो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत की सबसे प्राचीन जो प्रजाति रेस है वो निग्रिटो है। ये सबसे प्राचीन प्रजाति है भारत में, राइट। और आज के डेट में निग्रिटो जो हमारे समाज में हैं, निग्रिटो से बिलोंग करते हैं ग्रेट अंडमानीज, उंजे, जारवा, सेंट्रलीज, ये नॉर्थ, ये खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं। और फिर साउथ में जाइएगा तो केरल के कादर और तमिलनाडु के इरुला और पानियान जो हैं निग्रिटो प्रजाति से बिलोंग करते हैं। और भारत में ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले यही भारत में आए थे, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत निग्रिटो नहीं मिला है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है जीएस में कि सिंधु सभ्यता के प्रजातियों में कौन इनमें से नहीं था, उसमें से तीन इसमें से दिया हुआ था, एक निग्रिटो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब तैयारी करेंगे तो केवल हमें इस चार की जानकारी के साथ साथ एक ऐसा भी विकल्प सोचना है कि कौन उसमें नहीं था। ये एक और आपको कॉन्सेप्ट देता है कि जैसे आप देखते हैं कि मंगोलाइड, आज के डेट में मंगोलाइड कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो मंगोलाइड नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में मंगोलाइड प्रजाति का कंकाल मिल रहा तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत जो है मंगोलाइड जनजाति, यानी मंगोलाइड जनजाति इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में नॉर्थ वेस्ट में भी रहा करती थी। इंडस सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस ज्योग्राफिकल एरिया में भी मंगोलाइड प्रजाति का निवास था, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी मंगोलाइड प्रजाति धीरे धीरे दूसरी जगह गई है। कल हमने बात किया था, इसके लिपि के बारे में बात किया था, भाषा के बारे में अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये प्री आर्जन लैंग्वेज ही बोला करते थे। लैंग्वेज में भी विविधता का कॉन्सेप्ट है, ध्यान ये रखना है कि जो भाषा बोलते होंगे उनकी भाषाओं में भी विविधता होगी, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल जो डेटा है उससे हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए एक तो ये ध्यान में रखना है कि अलग अलग प्रजाति के लोग एक साथ रह रहे हैं और इन लोगों ने एक रूप सिंधु सभ्यता का विकास किया था, एक रूप सिंधु सभ्यता का विकास किया था, इसलिए इससे सभ्यता के अंतर्गत यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, राइट। दूसरा जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इंडस सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आप अध्ययन करें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पढ़ा उसमें भी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी है। तो वो भी दिखा रहा कि इनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो काफी डाइवर्स है, एक रूप नहीं है। बट अगर डाइवर्स जो ज्योग्राफिकल एरिया है फिर भी ये एक रूप संस्कृति का विकास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, सामाजिक संगठन। अब देखो सामाजिक संगठन में भी विविधता है। कैसे विविधता है कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें खासकर नगर नियोजन में, तो नगर नियोजन हमें क्या दिखा रहा कि
समाज में विभाजन है। क्योंकि जो लोग दुर्ग क्षेत्र में रह रहे हैं ये लोग समाज के अभिजात वर्ग के लोग थे, एलिट क्लास के लोग थे, क्योंकि ये फोर्टिफाइड एरिया में निवास करते थे। और जो लोग दुर्बीन क्षेत्र में निवास करते थे वो लोग दुर्बीन क्षेत्र के लोग जो है, यानी नगर क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, ये लोग जन सामान्य था। और हड़प्पा से जो हड़प्पा साइट के बारे में हमने आपको बताया था कि यहां से कर्मकारों के आवास मिले हैं, राइट, यानी मजदूरों के आवास मिले हैं, तो इस तरह से समाज जो है आर्थिक आधार पर मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित था। एक तो अभिजात वर्ग के लोग थे, दूसरे जो है समाज में जन सामान्य के लोग थे, और तीसरे लोअर क्लास के लोग भी थे, मजदूर क्लास के लोग भी थे। और इस तरह से इनका समाज तीन वर्गों में विभाजित था। लेकिन जब कल्चर का अध्ययन करते हैं, जब इनकी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, जब कल्चरल एलिमेंट का अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि एक तरह के संस्कृति का ये विकास करें, संस्कृति में इनकी एकरूपता है। जब आप समाज की बात करते हैं तो यही एक ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से प्रश्न ये बनता है कि इनके समाज का नेचर क्या था, किस प्रकार का समाज था, माति सतात्मक था या पिति सतात्मक था। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उससे क्लियर कट हम ये नहीं बता सकते हैं कि समाज माति सतात्मक था या पिति सतात्मक था। लेकिन एक चीज जरूर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बता रहा है, और वह ये बता रहा है कि इनका जो समाज है इसमें स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। राइट, अब कैसे स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी? कल हम लोगों ने रिलीजन में बात ही किया कि रिलीजन के अंतर्गत जो सबसे प्रभावशाली देवी है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, वो है मातृदेवी। राइट, तो मातृदेवी जो है सबसे प्रभावशाली देवी है। राइट, एक तो यहां पर कि मातृदेवी की प्रधानता, राइट, देव मंडली में, क्योंकि जब आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जब आप पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक के देव मंडली जो है उस देव मंडली में पुरुष देवताओं की प्रधानता हो जाती है। राइट, यहां पर स्त्री देवी यानी माति देवी की प्रधानता है। और इससे एक बात तो यह तय है कि यह एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताएं कि जब इंडस सिविलाइजेशन का अध्ययन किए हम लोगों ने और उसके अंतर्गत जो चीजें हमें मिली, उन चीजों में औजार ज्यादा मिले हैं, औजार या उपकरण, हथियार कम मिला है या युद्धास्त्र कम मिला है। राइट, अब एक चीज इसका संबंध कैसे स्त्रियों की स्थिति से है, तो इसका संबंध स्त्रियों की स्थिति से है। क्यों स्त्रियों की स्थिति से है? क्योंकि जब भी किसी भी समाज में अगर युद्ध होगा, अगर समाज में युद्ध प्रियता होगी, तो वहां स्त्री की स्थिति निम्न होगी। क्योंकि युद्ध जो होता है, वार जो होता है, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव स्त्री और बच्चों को झेलना पड़ता है, और इसलिए स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी थी अपेक्षाकृत, उससे भी यह बात साबित होती है।
इसके अलावे इनका जो समाज था, तो समाज के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये समाज काफी शांतिपूर्ण था। मतलब इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट का साक्ष्य हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से नहीं मिलता है कि ये लोग इंटरनली आपस में युद्ध करते हों, राइट? तो इसके आधार पर आप इनके समाज को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें जो विविधता दिखाई दे रही है, वह विविधता के बीच भी हम यूनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा कल हमने रिलीजन भी आपसे बात किया था कि रिलीजन में भी विविधता है। एक चीज आप पे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि रिलीजन के अंतर्गत जितने देवी देवताओं की चर्चा हमने किया था, आप ऐसा नहीं मान के चलिएगा कि वो देवी देवताओं की पूजा सभी क्षेत्रों में सभी लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं था। रिलीजन के अंतर्गत जो देवी देवता थे, वो देवी देवता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवता डोमिनेंट थे। इतनी विविधता अगर रिलीजन में थी, तो उसके बावजूद भी इसमें यूनिटी थी।